हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने गमलों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें ताकि उसमें अगर आप फ्रूट प्लांट लगा रहे हो तो अच्छे से फ्रूटिंग करें, वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हो तो अच्छे से उसमें आपके सब्जियां मिलें, और अगर आप फ्लावर प्लांट लगा रहे हो तो उसमें खूब सारे ढेरों फ्लावर मिलें। तो ये मिट्टी का जो भी मैं बताऊँगी, अगर आप इसी रेशियो में ले कर बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके भी जो पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। और मैं बहुत ज़्यादा तीम झाम वाला चीज़ नहीं बताऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैसे गमले की मिट्टी तैयार कर सकते हैं वही मैं बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ रख रखा है। देखिए, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट यूज़ करिए, और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसका एक सस्ता सा जुगाड़ है, ये क्या बोलते हैं, धान की भूसी होती है, मतलब इसको आप कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं और ये उसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ती मिलती है, तो आप ये ले सकते हैं। और एक पार्ट आपका ये ले लीजिए, ये हम वर्मी कंपोस्ट मेरी है, ये काफ़ी सूखी हुई है एकदम से, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपको, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि वो मतलब अच्छे से डीकम्पोज हुई हो, एक दो साल पुरानी ही हो, क्योंकि ताज़ी गोबर की खाद अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपका पौधा ख़राब कर सकती है। और ये साधारण आपका वन पार्ट हो गया आपका ये गार्डन सॉयल, तो ये मेरे जो पुराने गमले की मिट्टी थी ये वही है। अगर आपके पास रेत है तो ये देखिए, थोड़ा उसमें रेत मिक्स कर देंगे जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, तो इससे आपकी मिट्टी मतलब बंधेगी नहीं, थोड़ा भुरभुरी टाइप रहेगी, तो उसमें पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि पौधा ख़राब होने का सबसे मेन रीज़न होता है कि आपके पॉट में पानी रुक रहा है, जिसकी वजह से आप उसकी जड़ गलने लगती है और आपका पौधा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन हो, और आप पॉट भी ऐसा चूज़ करें जिसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो। और ख़ास करके अगर आप प्लास्टिक पॉट्स यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्लास्टिक पॉट में तो वैसे भी बहुत लोग कहते हैं कि पौधा नहीं चलता है, लेकिन मैंने बहुत सारे पौधे लगा भी रखे हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में दिखाया है, तो उसका यही होता है कि प्लास्टिक पॉट में आप जितने होल नीचे कर सकते हैं बढ़िया से कर दीजिए, और उसमें अच्छे से नीचे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कंकड़ डाल दीजिए, तो जो आपका एक्सेस जितना भी पानी होगा तो उसके माध्यम से निकल जाएगा, जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, और जितना ज़रूरत होगी वो मिट्टी में सोख हो जाएगी वैसे ही। तो ये चीज़, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और मिट्टी के पॉट में भी ड्रेनेज, मतलब कोई भी पॉट हो तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब पानी उसमें कुल मिला के रुकना नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये आपकी है नीमखली। नीमखली भी मेरे पैकेट में जो लाई थी उसमें काफ़ी मतलब फंगस टाइप लग रहा था, तो मैंने उसको भी कस के सुखा दिया है। ये है नीमखली, इसी में मिक्स हो गई है। एक्चुअली मैंने निकाल के रखा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरा बेटा ओजस है ना, वो मेरे से पहले ही सारा काम कर देता है, उसने सब मिक्स कर दिया, तो खैर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें क्या कहते हैं, नीमखली का रोल बहुत होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये मतलब आपके जो मिट्टी में फंगल अटैक होता है वो नहीं होने देता है, और आपके पौधे को मतलब पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है कुल मिला के। तो आप ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेके, और आप जैसा पॉट यूज़ करें छोटा बड़ा, उसी हिसाब से आप अपना रेशियो देख लीजिए कि ये चीज़ें हमको ऐड करनी है, उसी हिसाब से आप मिक्स करके, अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप उसी हिसाब से नाप लीजिए कि हमारा कितना कितना में वो फिल हो जाएगा, उसी हिसाब से आप अपना रेशियो घटा बढ़ा सकते हैं। तो मेन मतलब ये है कि ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में आप चाहे आप फ्लावर प्लांट लगाइए या फ्रूट प्लांट लगाइए या वेजिटेबल प्लांट लगाइए,
बहुत ही अच्छे से चलेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। अभी ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने ये मिक्स करके रखा है। मैं अभी सर्दियों के प्लांट्स मैं अभी नहीं लगा पाई हूँ, फ्लावर प्लांट्स, क्योंकि हम लोग मनाली घूमने चले गए थे, जिसकी वजह से अभी मैंने जो गेंदा वगैरह और बाकी डांसर्स गजानिया ये सब अभी कुछ भी नहीं लगाया है, बस अब उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, बस उसी दिन सारी चीज़ें होंगी। और देखिए मैंने उधर दिखाती हूँ, मैंने सारी मिट्टी अपनी सूखने के लिए रख रखी हुई है। तो ये मिट्टी और ये जो मेरे गार्डन की पत्तियाँ निकली हुई थी उनको मैंने रखा हुआ है ताकि वो अच्छे से सूख जाएंगी, तो इसकी मैं कंपोस्ट बना लूँगी। होममेड कंपोस्ट बहुत ही अच्छी बनती है, मैं हर बार बनाती रहती हूँ और वही कंपोस्ट यूज़ करती रहती हूँ। और मैं काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, बस यही तीन कंपोस्ट मोस्टली यूज़ करती हूँ। मैं बाहर से ख़रीदा हुआ कोई भी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए इस मिट्टी को आप मिक्स करिए और अपने गमले में भरिए और जो पौधा आपको लगाना हो आराम से लगाइए और वो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें।